कुछ सवाल ने जेडे पी एस टेट दे बारे वीडियो पब्लिश किया सी उस दे नीचे है बेसिक जानकारी बुनियादी जानकारियां दित्तियां सी उहदे नीचे क्वेश्चन है सर पेपर फिल करन दे स्टैप ओह वीडियो आ जांदा है सर आई हैव क्वेश्चन पी एस टेट 2025 विच जल्दी होएगा कि ये चांस है कि 2025 पी एस टेट तो पहला ही ETT मास्टर कैडर पोस्ट आ सकदियां देखो जे तुसी वेट कर रहे हो कि 2025 का पी एस टेट देवांगा वो क्लीयर होएगा नहीं क्लीयर होएगा ये वाला क्लीयर होएगा नहीं क्लीयर होएगा दैट इज़ वाई ये चांस नहीं गवाना चाहिए दूसरा कि तुसी इस ते डिपेंडेंट कर डिपेंडेंट हो कि मास्टर कैडर दियाँ हाँ आने की संभावना यह है कि मास्टर कैडर दियाँ पोस्टा पहला आ जा दैट इज़ वाई तुहानू पी एस टेट चा अपीयर हो जाना चाहिए है सर मेरा बी एड विच फाइन आर्ट्स से हिंदी सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन था पी एस टेट फाइन आर्ट कॉम्बीनेशन पास करके मास्टर कैडर हिंदी के टीचर के लिए भी एलिजिबल बिल्कुल हो जाओगे तुसी हिंदी पंजाबी इंग्लिश ले इस तरह ही एलिजिबल हो जाना है तुसी अपना कॉम्बीनेशन लेना है मेन सब्जेक्ट जिहड़ा है उहदे लई इस तरह तुसी दोनों लई एलिजिबल हो जाना है निश्चिंत हो जाओ सर जे कोई स्टूडेंट थर्ड सैम च है बट उसकी सैकेंड सैम च सप्ली है तो वो एलिजिबल है प्लीज़ बिल्कुल एलिजिबल हो भावें पहले दूजे तीजे सारे सैम च तुहाडियां सप्लियां हन तुसी पी एस टेट लई एलिजिबल हो जे तुसी अपीयर हो चुके हो क्योंकि सप्लीमेंट सप्ली जिहड़ा तुहाडा एग्जाम होना है कंपार्टमेंट नूं तोड़न दा उह तुहानूं जिहड़ा चांस मिल जाना है जे तुसी पास हो जांदे हो उधर तुसी बी एड चो सप्लियां आ रही हैं तो बाद विच पास कर दे फिर भी पी एस टेट तुहाडा एलिजिब तुसी जिहड़ा है बिल्कुल उहदे लई लाइफ टाइम लई तुहाडा परमानेंट उहदा सर्टिफिकेट रहना है निश्चिंत हो जाओ मेरा 2023 वाला पी एस टेट क्लीयर है 95 मार्क्स है 150 SST की मैनू दोबारा पी एस टेट देना चाहिए है देखो 2015 विच गवर्नमेंट ने किया सी पी एस टेट के मार्क्स तो सिलैक्शन टैसट के जिन्होंने मास्टर कैडर टैसट कहें उस दे जिहड़े मार्क्स है कंबाइन कर ले सीगे है ना लेकिन 2021-22 विच नहीं किए सो मैं नहीं कह सकता कि हुण सरकार करेगी या नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि करने चाहिए हैं पी एस टेट के भी जिहड़े ऐड सो जे तुसी सोचते हो कि मार्क्स इनक्रीज़ करने हैं तो तुसी दे सकते हो कोई हर्ज नहीं है हर्ज एक ही है जो पैसे का नुकसान 1000 रुपया जाना है सर ETT 2023-25 वाले स्टूडेंट पी एस टेट पेपर लिए बिल्कुल दे सकते हैं एलिजिबल है सैम वन वाले सारे एलिजिबल ने भावें DLED दे है BLED दे है BED दे है BED इंटीग्रेटेड दे है कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स है सर प्रीवियस पेपर दे वीडियो हाँ जी वो पा दें BED सैकेंड सैम वाले फिल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तैयारी स्टार्ट कर दो हाँ जी सर कर दें जी हम सभी कोर्स लेना चाहते हैं अच्छा जी करते हैं बहुत सर प्लीज़ BA इलेक्टिव एडिशनल प्राइवेट स्टूडेंट दे सिलेबस दे वीडियो चलो एक वक्रा है वक्री गल करते हाँ सर मेरा ITAP कोर्स में एडमिशन हुआ है मैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश मेजर हिस्ट्री माइनर रख के क्या सही कॉम्बिनेशन है या प्लीज़ देखो तुहानू अलग तो गल करनी पैनी है इत्थे मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कुछ सवाल तुहानू तो पूछने पैने हैं 8427458843 ते गल भी कर सकते हो मैसेज वॉइस मैसेज कर सकते हो सर जिन्हां दा बी एड च कंप्यूटर हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट है वह किस नू फिल करनगे वो तुसी SST लै सकते हो क्योंकि SST तुहाडे नियर तीजा सब्जेक्ट तुसी नहीं दस्सिया कि कहड़ा पढ़िया है तुसी कंप्यूटर ते हिंदी है ना दस्सिया ग्रेजुएशन तीजा भी पढ़िया होएगा सो सोशल साइंस दे नेड़े है तुसी ये देखना है कि तुसी सब तो ज़्यादा 60 क्वेश्चन किहड़े सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल मैथ साइंस दे नहीं कर सकोगे मैनू लगता है जे तुहानू लगता तुसी ओही भर सकते हो अदरवाइज सोशल साइंस दूसरा तुसी एडिशनल पेपर बाद च देके एलिजिबल बनते हो तो सोशल साइंस दे पेपर एडिशनल देके एलिजिबल बनते हो दैट इज़ वाई तुहानू सोशल साइंस ऑप्ट करना चाहिए है जे तुसी हिस्ट्री पोलीटिकल जोग्राफी इन्हां दे पेपर देना चाहते हो BA दे बाद विच एडिशनल सर BED सैम 3 वाले स्टूडेंट का अगर पी एस टेट क्लीयर हो गया तो वह क्वालीफाई बिल्कुल कंसिडर लाइफ टाइमली कंसिडर किया जाएगा सर फिर जो पैडागोजी का सिलेबस है वो आएगा क्या वन सेम वालों के लिए मुझे बात नहीं समझ लगी सर फिर जो पैडागोजी का सिलेबस ही वो आएगा जहाँ क्या सम मुझे मैनू दोबारा क्लियर कर दियो मैनू सॉरी मैं समझ नहीं सकिया सर जिन्हों का प्ला क्लीयर है उन्होंने मार्क्स इंप्रूव पहला क्लीयर है ना मार्क्स रूम कर देना चाहिए हाँ जी दे सकते हैं मैं पहला गल कर रहा हाँ
सर आई एम फर्स्ट सैम कैन आई, बिल्कुल भर सकते हो तुम फर्स्ट सैम वाले मैं दस आया। हैलो सर जदों असी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बी एड फर्स्ट सैम वालों की ऑप्शन चॉइस नहीं है। देखो वो चॉइस नहीं आनी, तुसी वो पांच ऑप्शन चो वक्रे तौर पर वीडियो भी जारी किया है वो ऑप्शन नहीं आएगी। तुसी जेड़ा सेकंड ऑप्शन दो साल वाली बी एड जो वो कर रहे हो ना, अच्छा ओनली ऑप्शन लैफ्ट फॉर, हाँ ये वाली तुसी ऑप्शन ऑप्ट कर लेनी, कोई घबराने की जरूरत नहीं, उन्होंने ऑप्शन नहीं दी, तुसी ले लेनी है। उस तो बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नीचे लास्ट वाले तो आएगा कि परस्यूइंग और जड़ा लास्ट एग्जाम है परस्यू कर रहे हो जा पास हो, उत्थे परस्यूइंग तुसी भर देना है, कोई घबराना नहीं है। ऑप्शन नहीं आ रही, मैं फिल कर दिया क्वेश्चन थे कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम मेरे ख्याल की है, अच्छा ऑप्शन नहीं आ रही है, मैं फिल कर दिया क्वेश्चन थ्री है, वेरी गुड ऐसे लिखा है, बहुत अच्छा। कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच बी एड डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन एलिमेंट्री ऑबटेन्ड क्वालिफिकेशन टैब दे विच तुसी एक फॉर्म फिलिंग दी वीडियो पा देवो तां बहुत चंगा होएगा। किदा 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 किदा, अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच, अच्छा धन्यवाद तुहाडा बहुत अच्छा, ओके कोई गल नहीं घबराना नहीं है, तुहाडी सपोर्ट तुहानू है, तुसी कर सकते हो समझ रहे हो, तो मैं वीडियो वक्रे तौर पर जारी कर दिना है वो तुसी देख लेना जे ठीक लगेगा। नैक्सट ऑप्शन आएगी अपीरिंग दी, हाँ जी बिल्कुल ठीक कहना ने शाबाश, परस्यूइंग आएगी शब्द, हाँ सर क्वालिफिकेशन ऑप्शन विच टू ईयर बी एड नहीं है, तुसी वन ईयर वाला भर देना है। सेकेंड ऑप्शन सर बी एड फर्स्ट सैम वाले फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फुल फुल बटा फुल कर सकते हैं। थर्ड सैम वाले फिल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हैलो सर जो असी फॉर्म फिल कर रहे हैं, चलो ये मेरे ख्याल पहले वाला रिपीटड है, सो हो गया, थैंक यू। ये क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन का जवाब कोशिश करूँगा नाल नाल देने की।